तो दोस्तों आप यहाँ पर मेरी लिमिट को देख लो, यहाँ पर 7500 की मुझे लिमिट मिली है, ठीक है। और सभी को इतने ही लिमिट मिलती है, किसी किसी को ज़्यादा भी लिमिट मिल जाती है, और हम इस लिमिट को यूज भी करते हैं, बैंक अकाउंट में भी इसको हम ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो लिमिट है ना, इसको हम यूज करते हैं तो 15 दिन का टाइम मिलता है। 15 दिन के अंदर हमारा जो ड्यू डेट है और जो हमारा बिल है वो जनरेट हो जाता है, और 5 दिन के बाद हमको रीपेमेंट करना पड़ता है। टोटली इस पर हमें 20 दिन का टाइम मिलता है, ठीक है। तो मेरे किसी सब्सक्राइबर भाई ने, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा अपने यूट्यूब चैनल पर, मुझे किसी सब्सक्राइबर भाई ने एक कमेंट किया, एक क्वेश्चन किया, अजीब सा क्वेश्चन था। उनका कहना ये था कि सर जो हमको ये लिमिट मिलती है, अगर मान लो, देखो उसने जो सवाल पूछा मेरे भाई ने, वो मान लो के ऊपर है, यानी कि एक एग्जांपल के ऊपर पूछा था। एक सवाल पूछा कि मान लो हम इस लिमिट को यूज कर लेते हैं, और यूज करने के बाद अगर हम इसका बिल लेट करते हैं चुकाने में, तो क्या होगा, कितना चार्ज लगेगा, पहला सवाल। और दूसरा सवाल, अगर हम इसकी लिमिट को यूज कर लें और यूज करने के बाद अगर हम पैसे वापस ना करें तो क्या होगा, कहीं जेल तो नहीं होगी। तो ये दो सवाल थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वीडियो बना दूं और आप सभी को बता दूं, ठीक है। अगर मैं उनको रिप्लाई देता तो एक ही व्यक्ति को पता चल जाता कि भाई क्या इसका रिस्पॉन्स है, लेकिन मैं सभी को बताना चाहता हूं कि अगर आप इसका पैसा लेट चुकाएंगे, मोबीक्विक जिप पे लेटर का पैसा अगर आप लेट चुकाते हैं इसका बिल, तो आपके साथ क्या होगा, कितना चार्ज लगेगा, और अगर आप पैसे वापस नहीं करेंगे तो फिर यहाँ पर आपके साथ क्या होगा, ठीक है। जो मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल सही होगा, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर हम पैसे को लेट पेमेंट करते हैं, मतलब बिल को लेट चुकाते हैं, तो हमको कितना चार्ज देना होगा। तो मेरे भाई यहाँ पर हम आ जाते हैं टर्म्स एंड कंडीशन पे। मेरे भाई जब भी हम किसी लोन एप्लीकेशन से लोन लेते हैं, या फिर किसी पे लेटर में अपनी लिमिट को एक्टिवेट कराते हैं, जो भी एप्लीकेशन है, सभी एप्लीकेशन, सभी कंपनियां अपनी टर्म्स एंड कंडीशन जो पॉलिसी होती है उस पर जो है टिक जरूर करवाती है। टिक का मतलब ये होता है कि आप इनकी पॉलिसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं और आप अपनी मर्जी के अनुसार ही ये काम कर रहे हैं, ठीक है। और पॉलिसी में साफ साफ तौर से सब कुछ लिखा जाता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि टर्म्स एंड कंडीशन को तो रीड करते ही नहीं है, अपने काम के चक्कर में डायरेक्टली उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाते हैं, कुछ पढ़ते ही नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार मूवी के पे भी जब आप लिमिट को एक्टिवेट करते हैं तो फिर वहाँ पर भी आपको जो है टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कराया जाता है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं इस टॉपिक पे कि अगर हम लेट करेंगे पैसा चुकाने में तो कितना चार्ज लगेगा। तो देखो चार्ज यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख लो, 100 रुपये से 500 रुपये के बीच में अगर हम स्पेंड करते हैं तो अगर हम एक भी दिन लेट हो जाते हैं चुकाने में तो पेनाल्टी लगेगी 100 रुपया। ये पेनाल्टी है दोस्तों, इस पर इंटरेस्ट भी लगता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। 500 से 1000 के बीच में 200 रुपया, 1000 से 2500 के बीच में 300 रुपया, 2500 से 5000 के बीच में 500 रुपया, 5000 से 7500 के बीच में 750 रुपया, और आप 7500 से लगा करके 10000 के बीच में 1000, और 10000 से 20000 के बीच में 1200 रुपया, 2000 के बीच में 1500 रुपया, ये है 20000 के बीच में 1500 रुपया, ठीक है। ये है इसकी लेट पेनाल्टी चार्ज, जो कि क्रम बाई क्रम बढ़ता जा रहा है। 20000 पे यहाँ पर सीधा 1500 रुपया चार्ज लगेगा अगर आप एक भी दिन लेट हो जाते हैं तो। अब मुझे लिमिट मिली है 7500 की, अगर मैं पूरा लिमिट यूज कर लेता हूँ और एक भी दिन पैसा रिपेमेंट करने में चूक कर देता हूँ तो 750 रुपया मुझे एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। इसी के साथ GST भी लगाई जाएगी और 1% का इंटरेस्ट भी लगाया जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 850 के करीबन रीपेमेंट करना होगा मुझे एक दिन लेट होने में। तो ये तो हो गया भैया इसके लेट पेनल्टी चार्ज, ठीक है।
अब बात कर लेते हैं उस सवाल पर जो कहते हैं कि अगर हम पैसा वापस ना करें तो क्या होगा। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले कंपनी आपसे कॉन्टेक्ट करेगी, आपसे पूछेगी, आप उसको उनको जो है रिस्पॉन्स देंगे कि क्या प्रॉब्लम है। अगर आपकी प्रॉब्लम जेन्युइन होगी तो कंपनी आपकी आपकी जो लेट पेनल्टी है उसको माफ़ कर देगी, ठीक है, और कुछ टाइम अगर आप मांगेंगे तो वो भी दे देगी। और अगर आप इसका पैसा फिर भी वापस नहीं करोगे तो भैया सीधा प्रभाव आपके सिविल स्कोर पे होगा, आपका सिविल स्कोर डाउन किया जाएगा और आपकी जो भी लिमिट है, जो भी आपका पे लेटर है उसको होल्ड कर दिया जाएगा, ठीक है, होल्ड कर दिया जाएगा। जब तक आप पैसा नहीं रिपेमेंट करोगे आप दोबारा लिमिट को यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है, ये है इसका फंडा। और इसके साथ और दूसरा कुछ नहीं होगा, ना आपके रिश्तेदारों को कॉल किया जाएगा, ना आपको ज़्यादा हरेस्टमेंट किया जाएगा, ठीक है, जो भी काम होगा वो सही तरीके से होगा, ठीक है। तो ये है इसका रिस्पॉन्स। अगर आपको फिर भी इसका पैसा नहीं चुकाना है तो आप नहीं चुकाइएगा, और अगर आपको लगता है कि भाई जो मैंने वीडियो में जानकारी बताई वो सही है और हमको ऐसा नहीं करना है पैसा चुकाना है, तो आप चुका सकते हैं। दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि आप इसका पैसा रीपेमेंट टाइम टू टाइम कीजिएगा, अपनी लिमिट को इंक्रीज कीजिएगा और बेनिफिट लीजिएगा, ठीक है। वीडियो में बस इतना ही, वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं, और अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।